जैसी जैसी कोई नहीं। अंकल, आप जानते हैं कि जस्सी कितनी एफिशिएंट है, मेहनती है, तो फिर आप क्यों नहीं चाहते कि वो सीईओ बने? चले। एक मॉम डैड, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपको क्या इतराज हो सकता है जस्सी के सीईओ बनने से? तुम लोगों की सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है अरमान। एक मिनट, आप मुझे इसकी वजह तो बता सकते हैं? वोटिंग के वक्त वजह नहीं बताई जाती है अरमान। वोटिंग में दो दो की बराबरी है, इसलिए हमें आर्यन के वोट का इंतजार करना होगा। अंकल, लेकिन आर्यन तो आज आया नहीं है, है ना? ठीक है, तो वोटिंग कल करेंगे आर्यन के साथ। चलो इला। मॉम, अरमान प्लीज, ये बोर्ड रूम है और यहाँ हम डायरेक्टर्स हैं, मॉम डैड नहीं। जैसे तू इतना क्या सोच रही है? ओहो माय गॉड, ये सोच रही है कि अभी धड़ाम से अरमान सर आएंगे और कहेंगे, मिस जसमीत वालिया, सीईओ ऑफ गुलमोहर। अरमान सर, अब कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक अनाउंसमेंट होगा जैसे कि सीईओ बन जाने का? हाँ? नहीं, कल सुबह दोबारा वोटिंग होगी। तब तक के लिए आई एम सॉरी, लेकिन जस्सी सीईओ नहीं है। क्यों सर, आप तो सिर्फ चार ही थे, तो जस्सी के अगेंस्ट किसने? अंकल, पूर्व अंकल ने। कोई बात नहीं जस्सी, जस्सी सब ठीक हो जाएगा। हाँ जस्सी, टेंशन मत कर, देख वोटिंग होगी ना जस्सी। मैंने तो सोचा था आज ही खत्म हो जाएगा, अब कल खामखा दोबारा आना पड़ेगा इसके लिए। जस्सी, तुम्हें तो पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हारे सीईओ बनने के खिलाफ वोट दिया है। मुझे ये भी पता है कि मेरे इस फैसले से तुम्हें दुख पहुंचा होगा, और फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया तुम जानना चाहोगी। जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता, बस यही समझ लो कि मेरे इस फैसले के पीछे मेरे अपने कुछ कारण थे। जैसे बुरा मत मानना, बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम हमारी खानदान की नहीं हो। I hope you understand, जैसे मैं अपने कंपनी की बागडोर किसी ऐसे इंसान के हाथ कैसे छोड़ सकता हूं जिसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। सरप्राइज नहीं, अनर्थ होगा, अनर्थ मुझे पता है, जो कुछ गड़बड़ हुई होगी, या तो अरमान के बच्चे ने कुछ किया होगा या फिर ऑफिस में कुछ। मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए, उसे मेरी जरूरत है। अरे बुरी से बुरी बात को इस तरीके से कहती है जैसे कि भगवान का कोई आशीर्वाद है, बेचारी मेरी बच्ची। ओहो, कुछ बुरा नहीं हुआ ना उसको? तेरे को पता है ना, तो फिर बोल। देख मेरा माथा घूम रहा है, मुझे साफ साफ पता कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है। अच्छी खबर है, लेकिन लेकिन क्या अच्छी के साथ बुरी भी है? क्या हुआ जैसी के साथ, क्या नई बात हुई है? झूठ मत बोलना मुझे, तुझे बेबे की कसम। अंकल जी, बेबे की कसम क्यों दे रहे हो? तो फिर बोल। जैसी गुलमोहर की सीईओ बन गई। तू मेरी बेबे को मारना चाहता क्या? नहीं अंकल जी, आपके सर की कसम। क्या सीईओ?
मुझे माफ कर दे, मुझे बताना पड़ गया। आ गई बेटा तू, अब मुझे पता चल गया कि क्या सरप्राइज है। जसमीत वालिया वेलकम द सीईओ। बेटा हमारी टाइम में तो मैनेजिंग डायरेक्टर से काम चला लेते थे, लेकिन ये सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? आई एम सॉरी अंकल, मैं बोर्ड मीटिंग के लिए वक्त पे पहुंच नहीं पाया। नहीं बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या बात है, वैसे भी मीटिंग कल सुबह दोबारा होगी, तुम कल तो आओगे ना? ऑफ कोर्स अंकल, ऑफ कोर्स। वैसे मीटिंग का एजेंडा क्या है? एजेंडा? अरमान ने तुम्हें बताया नहीं? जी नहीं। अरमान चाहता है कि जस्सी को गुलमोहर की सीईओ बनाया जाए। व्हाट? सीईओ? तो ये बात है, ये वजह थी कि मलिका को दिए गए उस चेक पर जस्सी का साइन था। डैड, आर्यन, आर्यन बेटा खाना खा के जाना। नहीं अंकल, फिर कभी। ओके, गुड नाइट देन। गुड नाइट। ग्रेट आइडिया अरमान, जस्सी सीईओ, ग्रेट आइडिया। इंटेलिजेंट है, काबिल है, मगर मगर क्या? मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूर कोई और बात है जिस कारण तुम उसे सीईओ बनाना चाहते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं अरमान, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, मगर शायद तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी कि गुलमोहर के बिजनेस के साथ तुम जो आंख में चोली खेल रहे हो, वो आज नहीं तो कल मेरी आंखों के सामने आई जाएगी। रही बात कल की बोर्ड मीटिंग की, तो उसके लिए मैं जरूर आऊंगा, आऊंगा जरूर अपना कीमती वोट देने। आर्यन तो कभी जस्सी को सीईओ नहीं बनने देगा, मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। तू क्यों परेशान हो रहा है मेरा बच्चा? अगर तू सीईओ नहीं बनती तो नुकसान तो सूर्य के बच्चे का है। नुकसान कंपनी का होगा पापा जी, गुलमोहर का होगा, शायद मैंने ही। खैर मैं क्यों सोच रही, ये सब जो होना ही नहीं है। नमस्कार अंकल। अरे आओ आओ बेटा, आओ आओ बेटा। अंकल, अंकल जस्सी कहाँ है? मैं कब से जस्सी को ढूंढ रहा हूं अंकल। वो जस्सी जिसकी डिक्शनरी में हार शब्द था ही नहीं, वो जस्सी जो हंसते हंसते हर मुश्किलों का सामना करती थी, देखा उसे आपने? ओहो अंकल, आप जानते हैं मैं जो जस्सी की बात कर रहा हूं, उस जस्सी की जिसने कसम खाई थी कि चाहे लोग कुछ भी कहें वो उनको अपने रास्ते में नहीं आने देगी, जो बुरी से बुरी चीज में भी कोई ना कोई भलाई ढूंढी लेती थी, देखा आपने उस जस्सी को? नहीं अंकल, अगर आपको वो जस्सी नजर आए ना तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस जस्सी को एक और जस्सी से मिलवाना चाहता हूं। चलता हूं अंकल। पूरब, वो जस्सी यही है। वेलकम बैक। सीईओ बनना मेरी एम्बिशन नहीं थी, मैं तो चाहती थी कि सबका विश्वास जीत लूं और सबको विश्वास दिला सकूं कि गुलमोहर फिर से उन्हीं ऊंचाइयों को छू सकता है जहां वो पहले था। मैं तो सोच रहा था कि आज मैं वोटिंग से एब्सेंट हो जाऊं,
एक दो दिन के लिए वोटिंग टल जाएगी तो हम अंकल आंटी को आराम से पटा लेंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे। और आर्यन सेठ का क्या करेंगे? प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे पहुंचेगी ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हमारा हो जाएगा जब वो जस्सी के खिलाफ वोट देगा, रोड रोलर चलाएगा हमारे ऊपर। जस्सी, तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हारे सीईओ बनने का प्रपोजल एक्सेप्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तूने जस्सी से बात की? क्या बात करता, क्या आज तुम्हारे भाग्य का फैसला है जस्सी? मैं तो कहता हूँ अगर जस्सी खुद ही ना है तो ज्यादा अच्छा है, उस बेचारी के लिए ही अच्छा है। बेचारी जस्सी, मैं बेचारी नहीं बनूंगी अरमान साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय आंटी। हेलो बेटे। अंकल आए, होप मैं वक्त पे। बिल्कुल बेटा, हमारे सामने एजेंडा वही है, जस्सी को गुलमोहर का सीईओ बनाना है या नहीं। तुम्हें इसी बात पे वोट देना है, यस और नो, राइट अरमान जी? सो कोरम पूरा है, शुरू करते हैं। जैसे वो यहां पर, एक्सक्यूज मी सर, कम इन जैसे। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही बिना बुलाए अंदर आ गई, लेकिन मैं आपके सिर्फ दो मिनट लूंगी सर। बोलो जैसे। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस मुश्किल में डाल दिया मैंने आप सबको। ऐसे ही दिखने वाली लड़की गुलमोहर की सीईओ कैसे बन सकती है? क्योंकि एक साल पहले जब मैंने गुलमोहर ज्वाइन किया था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कुछ लोग तब भी मेरे खिलाफ थे और कुछ लोगों ने उस वक्त भी मेरा साथ दिया था, मेरा हौसला बढ़ाया था। तब से लेकर आज तक, एक सेक्रेटरी से लेकर कंपनी की सीईओ बनने तक का जो मेरा सफर रहा है वो आप लोगों से छिपा नहीं है। और ये सच है कि मैं आज भी वही जैसी हूँ। गुलमोहर का सीईओ बनना, दूसरों को ऑर्डर्स देना, ये मेरा कोई शौक नहीं है। हाँ, बस मेरा एक रिश्ता बना है गुलमोहर से, यहाँ के एम्प्लॉयज से और आप सब से। बस इस रिश्ते की खातिर मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि वोटिंग देते वक्त आप बस यही ध्यान में रखना कि आप ये जो भी डिसीजन लेंगे वो मेरे खातिर नहीं लेंगे, आप गुलमोहर की खातिर लेंगे। और इस सब के बाद आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। बस यही कहना था मुझे आप सबसे। आर्यन, तुम्हारा वोट। आर्यन जस्सी के लिए कभी वोट नहीं देगा। अब मैं जस्सी को क्या जवाब दूंगा? जैसी तुम गुलमोहर की सीईओ बन गई हो, लेकिन याद रहे सिर्फ 6 महीने की। नहीं,
थैंक यू नहीं बोलोगे अरमान? जस्सी सीईओ यही चाहते थे ना तुम? अगर मैंने भी जस्सी के खिलाफ वोट दिया होता तो क्या होता? थैंक्स। आर्यन सर, हाँ, मुझे तो लग रहा था कि आप मेरे खिलाफ वोट देंगे, लेकिन ऐसा ना करके आपने काफी समझदारी दिखाई है, क्योंकि आपने ये सब मेरे लिए नहीं, गुलमोहर को बचाने के लिए। ये सब क्या कहे जा रही है तुम? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे उस भाषण से इंप्रेस होकर तुम्हें वोट दिया है? स्ट्यूपिड, ऐसी गलत फहमी में मत रहना मिस जसमीत वालिया। ये वोट मैंने तुम्हें इसलिए दिया ताकि दुनिया देखे कि गुलमोहर को अरमान सूरी से बेहतर कोई भी शख्स चला सकता है। फिर वो तुम्हारी जैसी एक मामूली सेक्रेटरी क्यों ना हो, एक बात जानती हो ना तुम कि कंपनी का सीईओ बनना एक बात है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना बिल्कुल अलग बात। यह बहुत मुश्किल होता है जैसी, मगर तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान सूरी को इस गद्दी से उतारना मेरे लिए शायद मुश्किल बात होती, मगर तुम्हें वहां पर बैठाकर उसने मेरा काम आसान कर दिया है। देखना तुम कैसे चुटकी में तुम्हें वहां से उठाकर बाहर फेंकता हूं मैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.